सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर एग्जाम्स के बारे में। तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग निकल के आता है वो है सुप्रीम कोर्ट का केस, जिसके ऊपर जो है ये चल रहा है कि भाई फाइनल की एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है या नहीं करनी है। तो गाइस यहाँ पर जो है UGC को जो है टाइम दिया गया था 3 दिन का, कि जिसके अंदर उनको जो है अपना जो भी रिस्पॉन्स है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चंस किए हैं तो वो जो है उनके आंसर जो है सुप्रीम कोर्ट को देने हैं। तो कल जो है 29 थी, तो उन्होंने कल जो है कुछ सबमिट नहीं किया। ऐसे जो है आपको विद प्रूफ मैं बता सकता हूँ, तो आलोक श्रीवास्तव जो कि स्टूडेंट साइड से जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है केस लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं UGC हैज़ नॉट फिल्ड इट्स रिप्लाई टू आवर सुप्रीम कोर्ट केस टिल नाउ, वी आर वेटिंग। तो यानी कि अभी तक UGC ने जो है रिप्लाई नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट को। तो आज जो है 30 है, तो आज जो है UGC के पास जो है लास्ट डे है, क्योंकि 31 को कल तो जो है डिसीजन आना ही है। तो यहाँ पे और एक चीज़ ये लिखते हैं वो है, इन्होंने 12 आवर्स पहले जो है ये ट्वीट किया, तो ये लिखते हैं स्कूल कॉलेजेस कोचिंग विल रिमेन क्लोज टिल अगस्त 31, बिहार आसाम एनी फेसिंग डेडली इंसेंस्ड फ्लड, कोरोना स्प्रेडिंग अलार्मिंग, नो इंटरनेट इन रूरल एरियाज, IIT NULU CBSE ICI कैंसल्ड एग्जाम, वाई UGC रिस्किंग लाइव ऑफ स्टूडेंट एंड देयर फैमिलीज। तो ऑफकोर्स ये राइट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब IIT ये सब कैंसिल कर सकते हैं तो स्टेट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्यों नहीं कर सकती। तो पॉइंट ये भी है, तो ये एक बात ही UGC की, यानी कि उन्होंने अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट में जो उनको रिप्लाई देना था उन्होंने दिया नहीं, तो आज जो है UGC के पास जो है लास्ट डेट है। दूसरा जो है एक दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि भाई पुणे के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है कुलकर्णी, तो उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन जो है जो पेटिशंस चल रहे हैं उनके खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन दी है, और ये जो एप्लीकेशन है ये है UGC के गाइडलाइंस के सपोर्ट में। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो ये है कि हम जो स्टूडेंट्स ने जो पेटिशन सबमिट किए हैं उसमें ये कहा है कि भाई स्टेट्स को जो है पावर दी जानी चाहिए, स्टेट्स जो है डिसीजन ले सकता है कि भाई फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कैंसिल करनी है और जो प्रीवियस पास का जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से जो है स्टूडेंट्स को पास किया जाए, उस हिसाब से रिजल्ट बनाए जाने चाहिए। तो लेकिन अभी पुणे के बेस्ड जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर कुलकर्णी, तो ये कहते हैं अब पुणे बेस्ड प्रोफेसर डॉक्टर कुलकर्णी हैज़ मूव्ड एन इंटरवेंशन एप्लीकेशन इन अ बेच ऑफ पिटीशंस चैलेंजिंग द UGC गाइडलाइंस विच मेड इट मैंडेटरी फॉर यूनिवर्सिटी टू कंडक्ट द फाइनल ईयर एग्जाम्स बाय September 30. द एप्लीकेशन हैव सॉट टू इंटरवेन इन सपोर्ट ऑफ द कमीशन स्टेटिंग दैट द इम्पंक्ट UGC गाइडलाइंस डो नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जो UGC के गाइडलाइंस हैं जो स्टूडेंट्स के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट नहीं करती है। 4 पिटिशंस वर लिस्टेड बिफोर द टॉप कोर्ट ऑन फ्राइडे सीकिंग क्वेश्चनिंग ऑफ द नोटिफिकेशन डेटेड July 6 बाय मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द सब्सिक्वेंट UGC गाइडलाइन मैंडेटिंग कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स बाय September 30. क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके सामने जो है 4 पिटीशन जो है स्टूडेंट्स द्वारा पहले से ही मतलब सबमिट किए गए हैं, और ये 4 पिटीशन जो है अगेंस्ट हैं HRD और UGC के गाइडलाइंस के खिलाफ, जो कि उन्होंने ये कहा है कि September 30 तक जो है सारे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने चाहिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी मैंडेटरी हैं। अगर हम नीचे आते हैं तो ये लिखते हैं द पेटिशनर्स हैज़ डिमांडेड द UGC टू अलाउ इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट टू पास द फाइनल ईयर स्टूडेंट बेस्ड ऑन द कैंडिडेट परफॉर्मेंस। अ बेंच ऑफ जस्टिस अशोक भूषण आर सुभाष रेड्डी एंड BR गवाई हैज़ देयर डायरेक्टेड द सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता टू फाइल अ कॉमन रिप्लाई फॉर द कमीशन टू द पिटिशन बाई July 29. द एप्लीकेंट रिप्रेजेंटेड बाई सीनियर एडवोकेट विनय नवरे एंड एडवोकेट अभय अंतुरकर हैज कंटेंड दैट एग्जामिनेशन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड सेंड आई इट सबमिटेड। तो ये जो लॉयर्स हैं ये कहते हैं सीनियर एडवोकेट की भाई कोई भी केस में जो है जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड नहीं की जा सकती, ऐसा उन्होंने सबमिट किया है। द इंटरेस्ट ऑफ द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैव टू बी बोर्न इन माइंड वाइल डिसाइडिंग द एंड डेट, मतलब स्टूडेंट्स के अंदर जो है एग्ज़ाम देने का एक इंटरेस्ट लाना होगा, एक पर्टिकुलर एंड डेट जो है हमें स्टूडेंट्स को बतानी होगी ताकि उनके माइंड में जो है एग्ज़ाम देने की इच्छा जगे। पोस्टपोनिंग द एग्जामिनेशन फॉर एन अनडिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम वुड बी अनरीजनेबल एंड आर्बिट्री। फर्दर इट इज़ कंटेंट दैट द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट दैट कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन शैल क्रिएट अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट स्टाफ एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज कम्प्लीटली बेसलेस। तो ये कहते हैं कि बाकी जो पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अगर हम एग्जामिनेशन क्रिएट करते हैं तो स्टूडेंट की लाइफ जो स्टाफ हैं और बाकी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं तो उनको जो है खतरा हो सकता है, तो ये कम्प्लीटली बेसलेस आर्ग्यूमेंट है, ऐसा ये कहते हैं।
The petitioner has failed to ask into consideration that why the revised guidelines itself, the respondent number one UGC has given the concerned university to conduct the examination either in offline, online mode or hybrid mode. Thus, the university make into consideration the situation prevalent in its area and decide to choose one of the aforementioned boards to conduct the examination. तो गाइस ये कहते हैं कि जब यूजीसी ने जो है सारे यूनिवर्सिटीज को जो है जो ऑप्शन दे रखा है कि आप ऑफलाइन में जाओ, ऑनलाइन में जाओ या हाइब्रिड मोड में जाओ, तो फिर क्यों यूजीसी की बात नहीं मान रहे हैं, बाकी के यूनिवर्सिटीज क्यों वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पे ये क्लियरली कहते हैं कि मैं जो है यूजीसी ने जो भी मतलब गाइडलाइंस दिए हैं उनके फेवर में हूँ, एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहिए। तो हमने जो पेटिशंस जो दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो इन्होंने जो है उसके अगेंस्ट में उनका अगेंस्ट में जो है एक फाइल या कह सकते हो एक अप्लीकेशन दिया है जो ये बताता है कि वो यूजीसी के गाइडलाइंस में सपोर्ट करते हैं। इन्होंने ये भी सबमिट किया है दैट द गाइडलाइंस आर स्टेचुरली साउंड एज दे ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम सेक्शन 12 फंक्शन ऑफ द कमीशन रीड विथ 26 पावर टू मेक रेगुलेशन ऑफ द यूजीसी एक्ट। तो जो भी यूजीसी एक्ट है तो उसको जो है ये गाइडलाइंस पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तो गाइस ये था आज का अपडेट, जहां पर जो है दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको जानने मिली। फर्स्ट, कल तक जो है यूजीसी ने जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे क्वेश्चंस किए तो उनका जो है उन्होंने आंसर नहीं दिया अस पर जो है आलोक श्रीवास्तव जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइनल के स्टूडेंट की तरफ से जो है लड़ रहे हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है कि भाई यहाँ पर पुणे के जो एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम डॉक्टर कुलकर्णी है, तो उन्होंने जो है इंटरवेंशन एप्लीकेशन दी है जो भी हमने पेटिशन सबमिट किए हैं। तो आप पूछोगे भाई इससे हो क्या सकता है? तो भाई इससे हो ये सकता है कि भाई अब ये जो केस है इसका जो रिजल्ट है 31 को आने वाला था, तो हो सकता है अब अगर इसको भी कंसिडर में किया जाए जो इन्होंने सबमिट किया है, तो फिर जो है वापस हमें जो है तारीख पे तारीख मिल सकती है। भले इसको कंसिडर करें या ना करें, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि भाई इन्होंने सबमिट किया तो इसको एक बार रिव्यू तो करेंगे ना। तो हो सकता है कि जो है फिर कल फैसला ना आए, फिर और दो तीन दिन बोले। तो यार ये जो थिंग है ये है सिर्फ टाइम को बढ़ा रहे हैं भाई, और दो दिन बाद इतने में तो यार पूरा टाइम निकल जाएगा। तो बेस्ट थिंग है जो भी डिसीजन आए तो यार कल ही आ जाना चाहिए। एग्ज़ाम लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो, कम से कम इस चीज़ से बाहर निकालो, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ और ना, नहीं लेनी हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर एग्ज़ाम लेनी है तो कम से कम जो है स्टूडेंट प्रिपेयर्ड तो हो जाएंगे। ये जो चीज़ है हाँ और ना के बीच में फंसे रहना, उससे तो बेहतर है। सो गाइस होपफुली वीडियो आप सबको पसंद आई होगी, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ये अपडेट शेयर कर दो, और बाकी जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको टू टेक के ऊपर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।